हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल सी सी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और एक्स्ट्रा स्पेशल रिव्यू रविवार वीडियो में। वाई दिस वीडियो स्पेशल इज बिकॉज आज हम रिव्यू करने वाले हैं गुडुची आयुर्वेदा को। एज द नेम सजेस्ट दी आयुर्वेदिज्म इनका टैगलाइन है। सो आयुर्वेदा के जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मुलेशन हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए वेट गेन, वेट लॉस, हेयर केयर एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड द बिग थिंग एंड द गुड थिंग इज कि ये बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे आयुर्वेदा में लिखा है एग्जैक्टली उसी फॉर्मुलेशन के साथ में ये सारे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड दे मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ ना दे हैव अ वेरी वंडरफुल फैसिलिटी जहाँ पर आप उनके डॉक्टर्स से बात कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट ना, मैं ऐसे स्क्रोल कर रही थी बिकॉज आई वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ डीलिंग विथ सम हेयर लॉस कंडीशन। सो आई वॉज लुकिंग फॉर सम गुड प्रोडक्ट्स बिकॉज बहुत सारे मार्केट में तो आप जैसे सर्च करोगे हेयर लॉस प्रोडक्ट्स तो बहुत कुछ आपको आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल जाएगा। नहीं, जब मुझे दिखा कि गुडुची आयुर्वेदा है, आयुर्वेद को इंक्लूड किया हुआ है एंड गुडुची इज नथिंग बट गिलोय, गिलोय को इनकॉर्पोरेट उन्होंने किया हुआ है, सो मैंने सोचा लेट मी जस्ट गिव दिस अ ट्राई। बट उसके पहले मैं थोड़ा बहुत अपना जो रिसर्च करती हूँ किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले, वो मैंने किया एंड आई वॉज सरप्राइज, टू माई सरप्राइज ना मुझे बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स इसमें रिसीव हुए। इतना ही नहीं ना, मैंने देखा कि वेट गेन, वेट लॉस, अपॉर्चुनेटली अभी मुझे इन दोनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई नो कुछ लोग मोटी मोटी बोलेंगे बट ठीक है, ये हेल्दी फैट है, ये चलता है। सो जोक्स अपार्ट, सो वो सेक्टर तो मैंने ट्राई नहीं किया बट हेयर केयर और स्किन केयर, उसके लिए तो आई एम ऑलवेज इन, स्किन केयर हैज़ माई हार्ट। उसके अलावा जो मुझे आपको बताना है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट्स, तो मेरा जो कोड है वो नीचे अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी ही डिटेल्स मिलेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। सो मुझे एंटी हेयर फॉल शैम्पू और कंडीशनर रिसीव हुआ था। आई हैड अ चॉइस कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए है या क्या पिक करना है, सो आई चोज सम हेयर केयर प्रोडक्ट बिकॉज ये एक जेन्युइन इशू मैं देख रही हूँ अपने सर्कल में भी। और अभी हमने गरबा भी ज्वाइन किया था, आई होप आपने वो वीडियोस एंजॉय किए होंगे, नहीं किए हैं तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। तो वहाँ पे भी आई गेट टू इंटरेक्ट अ लॉट ऑफ गर्ल्स और लॉट ऑफ लेडीज़, तो वहाँ पर मुझे ये पता चला कि नाउ हेयर फॉल इज समथिंग ना जो सबके साथ अभी हो रहा है। आई डोंट नो इट्स वेदर चेंज या हमारा जो डेली रूटीन है, कुछ तो भी मैसअप हो गया है जिसकी वजह से हेयर फॉल इज़ वन थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड कॉमन ऑल्सो। सो इसीलिए मैंने सोचा यार चलो गिलोय है इसमें तो इसको ट्राई करते हैं हेयर प्रोडक्ट। तो शैम्पू और कंडीशनर मैंने कॉल किया जो मैंने यूज़ किया और मेरा फिलहाल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं इस प्रोडक्ट का आपको बताऊं कि मैंने कितना यूज़ किया है ना, तो अभी बिल्कुल ही कुछ, कंडीशनर एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बचा बिकॉज ये कम यूज़ होता है एंड शैम्पू तो बिल्कुल बस यहाँ कहीं मेरा लेवल है उसका फिलहाल। वन प्रोडक्ट विच आई लाइक द मोस्ट इज बाउंसी हेयर सीरम। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसके यू नो सारा ही डिटेलिंग आपको पीछे इसके बैक पर यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका जो टेक्सचर, इसका जो फील और इफेक्ट आता है ना बालों पे लगाने के बाद, इट्स सो स्मूथ लाइक बटर वाली इसमें बात है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। प्लस काफ़ी इफेक्टिव भी है ये 20-25 डेज हो गए हैं मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, ये भी बहुत थोड़ा सा क्वान्टिटी बची हुई है। साथ स्किन डिलाइट अंडर 35, ये फेस क्रीम है और लेट मी टेल यू इसकी पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ अच्छी है। और मुझे पर्सनली ना, अगर आप देखते हो मेरे वीडियोस तो आपने देखा होगा कि जो नेचर के काफ़ी क्लोज होते हैं या जहाँ पर भी नेचर इंक्लूड होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पर या उन चीज़ों को यूज़ करने में। उसके साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली, जब भी हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, स्किन केयर की बात करते हैं, तो आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हो बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। तो ये मुझे बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी, ये पंप फॉर्म में ये आता है और लेट मी टेल यू इसका जो फील है, इतनी जल्दी और इतना अच्छे से ये अब्सॉर्ब होता है ना आपके स्किन पे। और बहुत ही अच्छा, ओके आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, इनकी जो फ्रेग्रेंस है सारे ही प्रोडक्ट्स की एकदम माइल्ड है। इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको थोड़ा सा यू नो माइग्रेन इशू है या माइग्रेन कंडीशन है या स्मेल से प्रॉब्लम है, बिकॉज कई लोगों को माइग्रेन नहीं भी होता बट दे हैव सम प्रॉब्लम और सम इशू विद स्मेल, वो इरिटेट करती है, तो ऐसी कोई भी, इतनी प्यारी धीमी धीमी सी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इन सारे ही प्रोडक्ट्स की। सो आपने कई बार देखा होगा कि जो फूड रिलेटेड वीडियोस होते हैं या यू नो हम कभी ट्राई कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में, कोई ईटरीज वीडियो कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ध्यान रहता है इंग्रेडिएंट्स पे कि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसा है, फ्रेश है नहीं है। सो सिमिलरली जो भी, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मैं उसके भी इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ एंड गुडुची आयुर्वेदा ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ करने में, सो दैट आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को, आपके हेयर केयर को
कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये सारी ही केयर एक्चुअली केयर वर्ड को जस्टिफाई करते हैं. सो या दैट इज इट आई बिलीव. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे हर रविवार. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पर करते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट पूरी है चैनल पर, वहाँ जाकर आप बिल्कुल देख सकते हो कि आपको जो भी इंटरेस्ट करता है प्लीज़ जाइए देखिए. शो सम लव बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ.